हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई मुझे चाहिए था एक बजट में पोर्टेबल स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो। तो मैं अमेज़न पे सर्च करने लगा और मेरी नज़र गई इस स्पीकर पे जो कि आता है साउंड कोर की तरफ से। इसका नाम है पायरो मिनी और मैंने इससे पहले साउंड कोर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने इसको तुरंत परचेस कर लिया। हालांकि उस टाइम इसका प्राइस था 1400 रुपये, बट अभी आप लोगों को 1200 रुपये में मिल जाएगा जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो क्या 1200 में इसको लेना वर्थ है या नहीं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे मैं इसको लगभग एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है, बट इसमें कुछ कमी भी है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सो रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ पर इस तरह का खूबसूरत सा बॉक्स मिल जाता है, साउंड कोर की ब्रांडिंग है और काफ़ी सारे फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। बाकी बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्पीकर रखा हुआ मिलता है, उसके बाद टाइप सी केबल मिल जाती है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं और एक यूज़र मैनुअल दी गई है इसमें। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं। बाकी अब आते हैं स्पीकर की तरफ। तो देख सकते हैं लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और सबसे पहले इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की ओवल शेप डिज़ाइन मिल जाती है जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है तो इजी टू कैरी है और कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं इसको। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट में आपको मेटल मेश मिल जाती है और एक स्ट्रैप दिया गया है जिससे आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और बैक में यहाँ पर इस तरह का पैटर्न दिया गया है और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सभी काम के पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, उसके बाद अब इसमें एचडी कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पर ऑक्स पोर्ट भी मिल जाता है। हालांकि बॉक्स में आपको कोई भी ऑक्स केबल नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पर पोर्ट दिया गया है तो केबल के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर साउंड कोर की ब्रांडिंग है और यहाँ पर बटन्स मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर पावर बटन है जिसको प्रेस करके होल्ड करना है और ये इस तरह से ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर तो अभी ये पेयर नहीं हुआ है और अभी ये पेयर हो गया है तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है इसकी। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस बटन मिलती है जिससे आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। बाकी दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये पेयरिंग मोड पर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो लाइट इफेक्ट मिलता है उसको इस बटन से आप चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये TWS मोड पे चला जाता है। बिकॉज इसमें ये फीचर भी दिया गया है कि अगर आपके पास दो स्पीकर है तो दोनों आपस में सिंक कर सकते हैं और स्टीरियो साउंड का मज़ा ले सकते हैं। बॉटम में रबर की पैडिंग मिल जाती है तो अगर आप टेबल पर रखते हैं तो ये इस तरह से स्टेबल रहेगा और फिसलेगा नहीं। तो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी भी मुझे पसंद आई इसकी। बिकॉज़ यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है बट अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जबकि मार्केट में जो 1000 रुपये या फिर 1500 में स्पीकर मिलते हैं उनकी प्लास्टिक काफ़ी चीप होती है, बट इसकी अच्छी है तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है इसकी। हालांकि इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है तो पानी से बचा कर रखना पड़ेगा, मतलब आप इसको पूल पार्टी या फिर शावर में यूज़ नहीं कर सकते वरना ये ख़राब हो जाएगा, तो ये एक ड्रॉबैक लगा इसका। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है तो कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है और रेंज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, मतलब काफ़ी दूर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक कमी है, अगर आप फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ करते हैं दोबारा से ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पेयर नहीं होता है, आपको मैनुअली पेयर करना पड़ेगा इसको। बाकी सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो भाई बैटरी बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब यहाँ पर आपको 60% वॉल्यूम पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। और चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है तो इजीली आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चलो बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की जो कि है साउंड क्वालिटी, जिसके लिए मैंने इसको परचेस किया है। तो इसमें 6 वॉट का सिंगल स्पीकर मिल जाता है, कोई भी पैसिव रेडिएटर नहीं मिलता है, बट साउंड क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है इसकी। बिकॉज यहाँ पर आपको जो बेस मिलती है सॉफ्ट बेस मिलती है, बहुत ज़्यादा हैवी या फिर डीप बेस नहीं मिलती है। और जाहिर सी बात है स्पीकर छोटा है तो आप ज़्यादा बेस से उम्मीद नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रेबल बहुत ही क्रिस्प और शार्प मिलता है और वोकल्स की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब अगर आप गाना सुनते हैं तो आपको एक एक लिरिक्स काफ़ी अच्छे से सुनाई देगी और अगर आप इस पर मूवीज़ देखते हैं तो आपको एक एक डायलॉग अच्छे से सुनाई देगा इसमें। तो वोकल्स की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। उसके साथ ही अगर आप इसको फुल भी कर देते हैं तो वहाँ पर भी साउंड फटता नहीं है, आपको 0 डिस्टॉर्शन मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव लगी कि अगर आप इसको फुल भी करते हैं तो वहाँ पर भी साउंड क्रैक नहीं होता है, तो साउंड क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है इसकी। हालांकि लाउडनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बिकॉज 6 वॉट का आउटपुट मिलता है, तो अगर आपका रूम बड़ा है तो आपको इसकी आवाज़ कम लग सकती है, बाकी रूम छोटा है तो ये अपनी आवाज़ से आराम से रूम को फिल कर देगा। और इसमें TWS कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है तो आप दो स्पीकर को आपस में सिंक कर सकते हैं और स्टीरियो साउंड का मज़ा ले सकते हैं और वहाँ पर आपको 6+6 मतलब टोटल 12 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। उसके साथ इसमें फ्रंट में जो मैश मिलती है उसमें RGB लाइट इफेक्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही कूल लगता है और यहाँ पर आपको टोटल 12 तरह के इफेक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव है, इसमें आपको जो लाइट मिलती है वो बीट के साथ सिंक हो जाती है,
जो कि बहुत सारे बजट स्पीकर में नहीं मिलती है। और देख सकते हैं लाइट काफ़ी ब्राइट है और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलो अब आप लोग इसके ऑडियो का सैंपल सुनो और उसके बाद वर्डिक्ट पे आते हैं। जिंद माही आ जावे ओ सीने ला जावे शोफ कर बचा यारी शो ओ दिल विच अग जो तुलाई उसनु बुझा जावे ना रोई जब कलबे आई 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 इंदिरा। तो भाई आप लोगों ने इसकी आवाज़ सुन ली, बाकी आप लोगों को आवाज़ कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। इसका प्राइस है अभी 1200 रुपये और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पीकर काफ़ी बढ़िया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को साउंड क्वालिटी मैटर करती है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की साउंड क्वालिटी मिल जाती है। बाकी हाँ, इसमें बहुत सारी कमी भी है, जैसे कि प्रोस की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसके बाद जो लाइट इफेक्ट है काफ़ी कूल लगता है और साउंड क्वालिटी स्पेशली काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो बैटरी मिलती है अच्छी मिलती है, मतलब 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है इसमें। कमी की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है, तो पानी से बचा कर रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी माइक्रोफोन नहीं मिलता है, तो कॉल को आप इस पर आंसर नहीं कर सकते, बस स्पीकर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी में थोड़े बहुत इशू है, जैसे कि अगर आप फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ करते हैं तो आपको दोबारा ऑन करके इसको पेयर करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक पेयर नहीं होता है, तो ये इसमें कुछ कमी है। बाकी ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डिवाइस है, पैसा वसूल है और अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को ये डिवाइस कैसा लगा, कमेंट कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।